नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी घर। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोप की, यानी कि एक ऐसे साबुन की जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी स्किन पर जो भी टैनिंग हुई है या जो भी ब्लैकनेस आई है, आपकी स्किन अनइवन हो गई है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी कर लिए सब्सक्राइब कर दिया हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल फेयर स्किन सॉप की। ये एक स्किन वाइटनिंग सॉप है। स्किन वाइटनिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है इसको इस्तेमाल करने के बाद में आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे, लेकिन जो आपकी स्किन पर जो भी डेड सेल्स हैं या आपकी स्किन मुरझा गई है, ग्लो नहीं है, या आपकी स्किन कहीं से डार्क कहीं से लाइट है या पहले से ज़्यादा थोड़ी डार्क हो गई है, तो ये उसको ठीक करता है। ये 75 ग्राम का साबुन आपको 85 रुपीज़ में इजीली मेडिकल स्टोर पर और ऑनलाइन मिल जाएगा। ये 75 ग्राम का आता है, काफ़ी अफोर्डेबल है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम चल भी जाता है। इसको आप चाहे तो फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप पूरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि घुटनों का कालापन हो गया, कोहनियों का कालापन हो गया, किसी किसी गर्दन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो ये इसे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएगी। इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग नहीं है, जैसे आप अपने नॉर्मल किसी भी सॉप को यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हर एक उम्र में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है 15 की उम्र के बाद में। दोस्तों, इसमें बात करें इंग्रेडिएंट की, तो इसमें कोजिक एसिड है जो मेलानिन को कम करता है, जो आपकी स्किन से जो डार्कनेस आई है उसको रिमूव करेगा। इसमें है विटामिन ई, जो साबुन इस्तेमाल करने के बाद में आपकी त्वचा खिंची खिंची हो जाती है, उसको यूज़ करने के बाद में आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो ख़त्म नहीं होता है। इसमें है ग्रीसलिन, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, बहुत ज़्यादा रूखा पेजा नहीं होने देती है। तो इसमें यही इंग्रेडिएंट है। इसको आप रेगुलर लॉन्ग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको छोड़ देने के बाद में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेजान या बहुत ही डार्क नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।